हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ गर्मा गर्म कचौड़ी क्रिस्पी। और इसमें जो मैंने फिलिंग डाले हुए हैं, यह उड़द दाल का फिलिंग बनाया है मैंने, जो काफ़ी टेस्टी या बोलिए सुपर टेस्टी बनते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। कचौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले उसके स्टफिंग तैयार करना है। इसके लिए मैंने ब्यूली की दाल को ले लिया है। इसे दो घंटा मैंने अच्छी तरह भिगो लिया है, अच्छी तरह फूल गया है। इसका मोटी पिठी मुझे पीस लेनी है, ज़्यादा पानी डालने का ज़रूरत नहीं, जितना कम पानी में आप पीस पाए। ये मसाले मैंने लिए हैं, एक इंच अदरक, 1 स्पून सौंफ, 2 हरी मिर्च। इसे मैं पीस लेती हूँ, इसे मैंने दरदरा पीस लिया है। मैंने एक पैन चढ़ा दिया है, इसमें डाल देती हूँ रिफाइंड ऑयल 2 स्पून के करीब। अब इसमें डाल रही हूँ ऑयल में 1 स्पून के करीब हींग, छोटी स्पून के करीब हींग, साथ में ये मसाले। थोड़ा सा गरम मसाला अब इसमें डाल दे रही हूँ, पेस्ट। साथ में स्वाद अनुसार नमक और इसे लगातार चलाते हुए भून लेना है। शुगर 1 स्पून, साथ ही इस स्टेज में ऐड कर रही हूँ 2 स्पून के करीब बेसन। अच्छी तरह मिक्स करके इसे ड्राई कर लेना है। अच्छी तरह से भून चुका है, देखिए चिपक भी एकदम परफेक्ट। सूखा तरह से एकदम तैयार हो चुके हैं। अब गैस मैं बंद कर दे रही हूँ और इसे निकाल के ठंडा होने के लिए थोड़ी देर छोड़ देती हूँ। मैंने मैदा 1/2 किलो के करीब ले लिया है, इसमें डाल देती हूँ स्वाद अनुसार नमक। इसे अच्छी तरह मिला देना है। अब इसमें डालना है ऑयल, रिफाइंड ऑयल, एकदम परफेक्ट। इस तरह से इतना ऑयल डालना है। अब पानी डाल के इसका सॉफ्ट आटा गूंद लेना है, न ज़्यादा कड़क न ज़्यादा नरम, मीडियम। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंद लेना है। तो ये आटा मैंने लगा लिया है। मैदा में हल्का सा अजवाइन भी डाल सकते हैं, अजवाइन काफ़ी हेल्दी होता है क्योंकि मैदा का बन रहा है। अब इसे कवर करके मैं 15 मिनट्स के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देती हूँ। आटा हमारा सेट हो चुका है, इसकी छोटी छोटी लोई काट लेती हूँ इस तरह से। दाल की पिट्ठी का भी मैंने इस तरह से छोटे छोटे गोल बॉल्स तैयार कर लिए हैं ताकि मैं इसमें इसे फिल कर सकूं। यह देखिए मैंने इस तरह से कटोरी का शेप दे दिया है। आप चाहे तो पूरी की तरह बेल के भी उसमें आप डाल सकते हैं। ऊपर से पतला, नीचे ये मोटा है। इसमें ये डाल के इस तरह से फिल कर देना है, अच्छी तरह से फिल करना है। देखिए, और जो एक्स्ट्रा ये आटा है इसे निकाल देती हूँ। अब इसे हल्के हाथों से दबा के कचौड़ी की तरह बेल लेना है। पहले सारे लोई मैं तैयार कर लेती हूँ और एक मैं इस तरह से तैयार कर लेती हूँ। देखिए देखिए, कचौड़ी को बेल के देखिए तैयार कर लिया है। मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है और इसमें ऑयल को चेक कर देती हूँ थोड़े से आटा डाल के। ऑयल ऑलरेडी परफेक्ट एकदम से गर्म हो चुका है।
इसका फ्लेम नहीं सीखेंगे, इसे निकाल देती हूँ कचौड़ी को। इसे भी इस तरह से दबा दबा के खुला लेना है। ये लीजिए गर्मा गर्म पनफ्लेट कचौड़ी एकदम बनके तैयार, खाने में सुपर टेस्टी। इसके साथ आलू की सब्जी आप जिसके भी साथ सर्व कर सकते हैं। पनफ्लेट कचौड़ी तैयार है, देखिए अंदर तक सूख गया है, आपको काफी पसंद आएगी। अगर आपको यह रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।